राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो टॉपिक है कि हम लोग जो सीम की खेती किए हैं, तो सीम की खेती में हम सभी का लागत कितना लगा, यानी कि हमारा इन्वेस्ट इस खेत में कितना हो गया। आज इस टॉपिक पे वीडियो बनेगा। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, सीम की खेती में सोचते हैं कि बहुत ज्यादा महंगा लगता है, उसमें पंडाल बनाने में बहुत ज्यादा खर्च गिरता है, बहुत ज्यादा हमारे खूंटा लग जाता है, बहुत ज्यादा हमारा तार लगता है। तो इस तरह किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का भी ज्यादा खर्चा नहीं है। नॉर्मल सा छोटी सा खर्चा जो कि आप अपने घर बैठे आराम से कर सकते हो अपने खेत में, और सीम के खेती में भी ज्यादा मुनाफा ले सकते हो। सीम का अगर रेट का बात करेंगे तो अभी यहाँ पे थोक में चल रहा हमारा 80 से लेके 60 रुपए किलो तक अभी थोक में रेट है। हमारा जब इस समय मार्केट आएगा, यानी कि हमारा जो फूल है हमारे सीम के खेत में, अभी हमारे सीम की फसल में फूल आना चालू हो चुके, प्लस फल भी पकड़ लिए हैं, और पंडाल हम लोग काफी शानदार पंडाल बना भी चुके हैं काफी कम लागत में, यानी कि कम से कम कीमत में 1000 के अंदर में ही हमारा पंडाल तैयार हो गया है। इस तरह की खेती जानना है आप सभी को, तो आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारी वीडियो में पहली बार आते होंगे तो वीडियो को लाइक करना और किसान भाई तक शेयर करना ज्यादा ज्यादा तक, कि उन्हें भी पता चले कि पंडाल में किसी तरह का भारी लागत नहीं गिरता। आप कम खर्च में भी आप अपने खेत में किसी तरह का भी पंडाल अपने वेल वर्गीय फसल की खेती करते हैं तो आप आराम से पंडाल तैयार करते हैं। पंडाल तैयार करने का मतलब है कि आपके फसल में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके फल होंगे, प्लस आपके वहाँ पे काम करने की क्षमता जो रहेगी वो स्पीड बढ़ जाएगी, यानी कि जो लागत जो हमारी लत वाली फसल होती है बेल वर्गीय फसल, उसमें आप आसानी से काम कर सकते हो, आप आसानी से फल तोड़ सकते हो, आसानी से सिंचाई कर सकते हो, आसानी से आप उसमें किसी तरह का स्प्रे भी ले सकते हो, सभी तरह का काम आप आसान से कर सकते हो। तो आज हम टोटल बात करेंगे कि हमारा इसमें इन्वेस्ट कितना हुआ है पहला शुरुआती से। तो किसान साथियों, यहाँ पे हम लोग पहला काम क्या कर सकते हैं खेत में, तो पहला काम हम लोग किए थे यहाँ पे जुताई। तो जुताई में हमारा खर्चा गिरा था, यहाँ मिनिमम हमारा खर्चा जुताई में लग गया था, 300 से लेकर 400 रुपये तक हमारा जुताई में लगा था। जुताई के बाद यहाँ पे जो भी हम लोग का केरी तैयार करना था, तो वो तो हम लोग खुद से केरी तैयार किए थे, किसी का मतलब ऐसे मदद नहीं लिए थे, ना लेबर वगैरह लगाए थे, ना किसी तरह का बनियारी लगाई थी इसमें, तो हम लोग खुद किए। तो उसमें मान के चलो अपना का खर्चा डेली का मान के चलते, तो उसमें 300 से लेकर 400 रुपया दो जन हम लोग तैयार किए थे, पापा और हम तैयार किए थे। उसके बाद यहाँ पे एक और खर्चा क्या आ जाता है कि आपकी बीज, आप बीज चयन अच्छे से करते हो, बीज अच्छे क्वालिटी का बीज आप लेते हो, तो उस समय आपके उत्पादन और प्लस आपकी फसल ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बीज में भी हमारा ज़्यादा नहीं लगा था, ज़्यादा पैकेट का तो मिनिमम ऐसा 500 का दाम था, उसमें आपको 100 ग्राम का दाना मिलता, पैकेट मिलता, तो आपका 100 ग्राम का जो पैकेट था हमारा 400 से लेकर 450 के करीबन मिला था। तो अभी तक हमारा खर्चा कितना हो गया, उधर 300 पहला जुताई हुआ, जुताई के बाद 400 से लेकर 450 तक पैकेट हमारा मिलता, तो हम 400 में लाए थे, ये हो गया। प्लस किसान साथियों, यहाँ पे आप बात करेंगे ये जो रस्सी है हमारा, ये जो रस्सी है, ठीक है, रस्सी में आप सभी को कितना लागत गिरता है वो बताएंगे, प्लस खूंटा में कितना लागत गिरता है वो बताएंगे, अब प्लस यहाँ पे निकाई गुड़ाई, निकाई गुड़ाई के सबसे दो काम होता है कि खरपतवार आप अपने खेत में कैसे हटाते हो। तो यहाँ पे खरपतवार हटाने के लिए हम लोग क्या किए थे किसान साथियों को, जैसे कि पिछले कई वीडियो में आप सभी हमारा देखे होंगे, तो ये हमारा जो दूरी है ना, एक खूंटे से लेके खूंटा हमारा 3 फीट से प्लस दूरी है, यहाँ पे आराम से हम लोग छोटा मिनी ट्रैक्टर यानी कि एवियेटर चला सकते हैं, किसी भी तरह का आप निकाई उड़ाई करने के समय हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे छोटे वाले ट्रैक्टर से किए थे। तो उसमें भी हमारा लागत कितना आया था, 300 रुपये गिरा था हमारा जुताई में, यहाँ पर पूरी तरह से खरपतवार हट गया। प्लस इसमें हम लोग अब बात करेंगे ये रस्सी का, यानी कि ये जो प्लास्टिक ये तार है हमारा, इसमें कितना लागत गिरता है, तो ये हमारा किलो के हिसाब से मिलता है, आप हर जगह पे अलग अलग रेट है, हमारे इधर यहाँ पे ये 300 लेके 350 तक में मिल जाता है पर केजी इस हिसाब से। तो आप जैसे दुकानदार के पास जाओगे उस हिसाब से रेट आपको मिलता है, जगह के अनुसार भी कई बार होता है कि आपके कि आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे हो सके सस्ता हो या तो महंगा हो, उस तरह के काम भी होता है। तो ये हमारा पड़ा था रस्सी, यहाँ पर मिनिमम 300 रुपये किलो पड़ा था, तो हम यहाँ पर 1 किलो लाए थे, 1 किलो में हमारा कुछ ही केम यानी कि आधा किलो से लेके हमको लगता है 600 ग्राम जैसा हमारा रस्सी लगा था। अब बाकी रस्सी अभी भी हमारे पास है, अब पिछले हम लोग ये रस्सी को कई साल इस्तेमाल किए, पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक भी इस्तेमाल कर ही रहे, ये धूप बरसात ठंड सभी मौसम में ये अच्छे से काम करते हैं, ख़राब ये नहीं होता। बात करेंगे सुतली का, यानी कि ये जो सुतली हमारे लत चढ़ाने का काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा लत यहाँ पे बजा हुआ है, ठीक है। तो इस दौरान में ये लत हम लोग जाली जो इस तरफ बीने हैं इसमें कितना खर्चा गिरा, इसमें मात्र 100 रुपया खर्चा गिरा, जो कि आप हमारे पूरे ये प्लॉट में हमारा हो गया, ठीक है, पूरे 100 रुपये की रस्सी लाएँ सुतली, आप पूरे बीन के अच्छे से किए, देखिएगा तो आगे वाली फसल में आप सभी को ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा कि आगे हमारा लत में कैसे फसल चढ़े हुए, ठीक है। तो 100 रुपये का ये हो गया। अब बात करेंगे खूंटा का, तो खूंटा हम लोग कई हम लोग आसपास आपके जैसे जंगल है
या आपके आसपास में खूंटा मिलता है, आप उस अनुसार खरीद भी सकते हो, और आपके खुद का है तो आप काट के ला सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ खूंटा पहले से ही था, और प्लस यहाँ पे हम लोग कुछ खूंटा खरीदे भी थे, तो इस कारण से हम लोग देखिए कोई कुछ खूंटा लंबा है, जो लंबा है वो पहले नहीं यूज हुआ था, जो छोटे खूंटा है वो टमाटर की फसल में हमारा इस्तेमाल हो चुका था। तो यहाँ पे कुल मिला के खूंटा में भी तो खूंटा तो जुगाड़ लगा के कर लिया, रस्सी 300 रुपया का ले आए, 100 रुपया का तागा ले आए, 400 रुपया हो गया, 300 का दो बार जुताई हो गया, उधर हो गया आपका 600 रुपया, और 400 रुपया, 1000 रुपया आपका हो गया। 1000 रुपया के साथ में आपका 400 रुपया का दाना मान लो 1400 रुपया आपका खर्च गिरा। 1400 रुपया का खर्च गिरने के बाद आपका एक दिन का चलो मजदूरी जोड़ दो, तो उसमें एक दिन का मजदूरी जोड़ देने से 600 600 यानी कि 2000 का काम हो गया। यहाँ तो टोटल बात करेंगे यहाँ पे तो 2000 का इन्वेस्ट हो चुका है, और 2000 का इन्वेस्ट में इस तरह हमारा पंडाल भी तैयार है बेहतर से बेहतर, और प्लस किसान साथियों यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमारा शानदार फसल हो रहा है, और प्लस ये रेट अभी जो हमारा 2000 लगा है इसमें हमारा रेट भी काफ़ी बेहतर देने वाला है। यहाँ पे हम टोटल बात कर रहे हैं कि पहले से लेकर शुरुआत से लेकर अभी तक का इन्वेस्ट कितना हो चुका है, प्लस यहाँ पे देखिएगा तो हमारी ये लत में कितने अच्छे ये अभी चढ़ चुके हैं। और यहाँ पे फूल की बात करेंगे, आप बीज यानी कि सही बीज आप चयन करते हो तो आपके फूल भरपूर मात्रा में आएंगे और वो काफ़ी शानदार फल देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे अच्छे से इसमें फूल है, सभी पौधे में आप सभी को फूल यहाँ पे दिखेगा, देखिए टोटल फूल दिखेगा। अगर यही किसान साथियों ये हमारे फसल नीचे रहते तो नीचे जो फसल है वो क्या होता है कि जैसे कि बारिश हो रहा अभी बरसात के टाइम में है, तो बरसात के टाइम में अक्सर क्या होता है कि जो फसल हमारी बेलवर की फसल होते है उसमें फंगस यानी फफूंद लगना या तो सड़ जाना, जल गड़न सलन का रोग दिखना, प्लस आपकी जो ये लत चढ़ती है बेलवर की जो लत है, ये लत जो ऊपर जो जाती है तो ये काफ़ी अच्छा शानदार फसल यहाँ पे होता है। और प्लस ये जल्द से जल्द मैंने जो ग्रोथ बढ़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, जैसे कि आप फूटा यानी पंडाल बनाते हो तो, और जो ज़मीन में रहता है वो आपको क्या दिखेगा कि आपकी जो गति रहती है वो धीरे हो जाती है बढ़ने की, और प्लस वो कम स्पीड में यानी कि जाता है, प्लस वो ख़राब भी ज़्यादा होते हैं, और फूल भी आपकी ज़मीन में रहेगा तो वो फूल भी ख़राब होंगे प्लस फल भी ख़राब होंगे। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, हम लोग सीम का खेती ऐसे किए हैं तो उस समय हम लोग ऐसा जंगल की जो झाड़ियाँ होते हैं उससे हम लोग इस्तेमाल करते थे, अगर इस बार हम लोग पंडाल बनाए तो पंडाल में हमें ज़्यादा खर्च भी नहीं लगा और आसान तरीके से पंडाल बन। और यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जैसे कि ये गांठ है ना, ये गांठ के सामने देखिए यहाँ पे एक फूल का यहाँ पे कली निकलने वाला है, प्लस यहाँ पे देखिए फिर दूसरे वाले गांठ के सामने इस तरह गांठ गांठ के सामने ये देखिए कली छोटे छोटे कली हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि हर एक कली के सामने इस तरह करके ये फूल और आना चालू हो जाएगा सभी तरफ, देखिए। तो ये होता है एक अच्छे बीज का चयन करने से, और प्लस अच्छे तरीके से आप खेती करते हो तो आपका कम लागत में ज़्यादा मुनाफा दे के जाएगा कोई भी फसल हो, चाहे वो सीम का हो, सीमी का हो, बैगन का हो या टमाटर का हो, किसी तरह का बेलवर्गीय फसल भी करते हो तो आप इस तरह का पंडाल तैयार करते हो तो काफ़ी अच्छा आपका पंडाल भी तैयार होगा, प्लस आप सभी का कम लागत भी लगेगा, प्लस आप सभी फसल हो ज़्यादा उत्पादन देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बताएं कि खर्चा कितना हुआ, 200 से मान लो ना 1500 या 2500 रुपये मेरा यहाँ पे खर्चा हुआ, 2500 में हम अच्छा खासा भी 2500 में कमाई आराम से कर लेंगे, यहाँ पे जो मेरा इन्वेस्ट है 2500 हुआ है। अभी रेट बात करेंगे 80 से लेकर 60 रुपये किलो बिक रहा है थोक में, तो आराम से हमारा जो ये फसल का जो फूल है ये कुछ ही दिन में हमारा हार्वेस्टिंग यानी फल आ जाएंगे इसमें, और फल आने के बाद ये हार्वेस्टिंग हमारा देने चालू कर देगा, तो यानी कि आराम से 60 रुपये भी हम पकड़ लेंगे रेट तो काफ़ी बेहतर रेट होगा, उससे हम ज़्यादा कमाई भी कर पाएंगे और जितना मेरा लागत है वो हम वापस यहाँ पे रिकवर कर लेंगे। तो किसान साथी उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, एक छोटा सा ब्लॉग था कि पंडाल आप बना सकते हो, कम कीमत में अच्छे पंडाल तैयार कर सकते हो, कम कीमत में अच्छी खेती कर सकते हो। तो छोटी छोटी खेती जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानकारी साथ अच्छे से टॉपिक में, तब तक ले जय जवान जय किसान।